राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली NCR में शुक्रवार देर रात घना कोहरा छाया रहा। IMD की माने तो आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। इन राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। विक्षोभ के कारण ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज हवा चल रही है, जिससे इन राज्यों में ठंड और बढ़ गई है। विभाग की माने तो आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, कई क्षेत्र में बारिश भी हो सकती है। दिल्ली NCR के इलाकों में 4 दिन तक धूप, फिर अचानक बारिश से ठंड का बढ़ना, यानी दिल्ली NCR में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा रहेगा। आज का तापमान 6 डिग्री न्यूनतम में और अधिकतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। बादलों को छाए रहने के साथ तेज हवाओं ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। इसकी वजह से बीते गुरुवार को दिल्ली से लेकर नोएडा, गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। इसके बाद से ही इन इलाकों में ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में भी बढ़ती ठंड ने लोगों में कपकपी बढ़ा दी है। कल यानी शुक्रवार को राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जयपुर की बात करें तो IMD के भविष्यवाणी के अनुसार आज यहां बारिश नहीं होगी। IMD के अनुसार जयपुर में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हालांकि श्रीनगर में बढ़ती ठंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां का तापमान आज 0 डिग्री तक नीचे गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं रांची में बारिश के अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।